नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। और अब खबरों की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले खबर महाराजगंज से। वहां पर तेंदुए के हमले का एक वीडियो सामने आ रहा है और वीडियो परतावल क्षेत्र के छातीराम गांव के पश्चिमी टोला का है। यहां पर खेत में ग्रामीणों पर तेंदुए ने हमला कर दिया है और इस हमले में 4 ग्रामीण घायल हो गए हैं। वहीं वन विभाग का दरोगा भी आंशिक रूप से जख्मी हो गया है। तेंदुए को पकड़ने के लिए गोरखपुर और महाराजगंज जिले की वन विभाग की टीमें लगा दी गई हैं। कल देर शाम तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जा सका था। क्षेत्र के लोगों में इसी वजह से दहशत का माहौल है और वन कर्मियों की टीम लोगों से खेत में न जाने की अपील कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए कैसे तेंदुए ने अटैक किया। अब तक इसे पकड़ा नहीं जा सका है। पूरे इलाके में, गांव में दहशत। इसका ये वीडियो आप देख रहे हैं, देखिए कैसे अफरा तफरी फैल गई। महाराजगंज के छातीराम गांव का ये वीडियो है। तेंदुए के हमले में 4 ग्रामीण जख्मी बताए जा रहे हैं। अब तक इस तेंदुए को पकड़ा नहीं जा सका। और अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे सियासत के सुपर शुक्रवार की, जहां नेताओं की रैली, जनसभा, जनसंपर्क अभियान और नामांकन का आज दिन है। सभी पार्टियों के दिग्गज आज चुनावी रण में अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। इसमें पीएम मोदी भी शामिल हैं। पीएम आज 23 विधानसभाओं में वर्चुअल रैली करेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से आज नामांकन करेंगे। जेपी नड्डा भी आज प्रचार के रण में उतरेंगे, जहां जालौन और कानपुर में जाएंगे। वहीं विपक्षी नेता भी आज चुनावी रण में प्रचार करते नजर आएंगे। अखिलेश यादव, जयंत जहां आगरा में एक साथ चुनाव प्रचार करेंगे, तो वहीं मायावती की आज लगातार तीसरे दिन रैली है। मायावती आज अमरोहा में रैली करेंगी। इसके अलावा प्रियंका गांधी भी आज गाजियाबाद में जनसंपर्क अभियान चलाएंगी। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज वर्चुअल रैली करने वाले हैं। तो वहीं गोरखपुर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा जालौन और कानपुर में आज नड्डा पहुंचेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज प्रचार करेंगे। और ये कुछ और तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, जहां आगरा में साथ साथ जनसंपर्क करते नजर आएंगे जयंत चौधरी, अखिलेश यादव। इसके अलावा मायावती भी लगातार अब चुनावी रण में प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। गाजियाबाद में आज प्रचार करने जाएंगी प्रियंका गांधी। और आइए बात करते हैं पूर्वांचल में समरनाथ की, योगी के गोरख प्रणाम की। तो सबसे बड़ी राजनीतिक अपडेट यह है कि गोरखपुर से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन करेंगे और दिग्गजों के साथ नामांकन करने पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव सिंह, ये सभी लोग नामांकन के दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे गोरखपुर सीट से वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इसके बाद तीनों दिग्गज जनसभा करेंगे। सीएम योगी 3 दिवसीय दौरे पर कल ही गोरखपुर पहुंचे हैं और तय कार्यक्रम के मुताबिक आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और उसके बाद वो घर घर जनसंपर्क भी कर सकते हैं। सिख समाज के साथ भी उनका एक कार्यक्रम है आज। प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद कार्यक्रम के तहत वो गुरुद्वारे में सिख समाज के साथ संवाद करेंगे और इसके अलावा 5 सिख परिवारों से उनकी मुलाकात का भी कार्यक्रम है। तो आज बड़ा दिन पूर्वांचल के लिए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर सदर सीट से, वो 11 बजे सुबह नामांकन दाखिल करेंगे। बड़े दिग्गज राजनीतिक अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग उनके साथ मौजूद रहेंगे। और नामांकन पर मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट करके जो लिखा है, अब हम आपकी स्क्रीन पर वो सब कुछ रखने जा रहे हैं। ट्वीट करके मुख्यमंत्री लिखते हैं, मैं आज अपने गोरखपुर शहर से विधानसभा चुनाव 2022 में सहभागिता हेतु नामांकन करूंगा। ये ट्वीट उनका इस बात की घोषणा करता हुआ कि आज वो नामांकन करने जा रहे हैं गोरखपुर सदर सीट से, ये शहर भी बोला जाता है, तो गोरखपुर शहर सीट से विधानसभा क्षेत्र में आज वो नामांकन दाखिल करेंगे। खुद केंद्रीय गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी यानी अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान दोनों उनके साथ मौजूद रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष
स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ नामांकन में दाखिल करेंगे, उस वक्त मौजूद रहेंगे। और आइए अब आपको इससे जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बता दें, आपके स्क्रीन पर भी हम वो तथ्य रखेंगे। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नामांकन से पहले गोरखनाथ मंदिर में वो पूजा करेंगे। नामांकन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और नॉमिनेशन के बाद महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में वो एक जनसभा भी करेंगे और इसके बाद भाजपा के बड़े नेता गोरखनाथ मंदिर जाएंगे। अमित शाह पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बीच में लगातार सक्रिय थे, आज गोरखपुर में डोर टू डोर कैंपेन भी कर सकते हैं। चलिए अब आपको इस बारे में और ज्यादा ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाते हैं और इसके लिए खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। वीरेश, आज उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए तो बहुत बड़ा दिन है ही है, लेकिन पूर्वांचल के लिए अपने आप में बहुत विशेष दिन है, क्योंकि गोरखपुर ही मुख्यमंत्री की कर्मभूमि रही है, लेकिन वहां से कभी उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, इस बार वो खुद मैदान में है। क्या इस बात का प्रभाव आप देख रहे हैं और उनके नामांकन की क्या तैयारी आपको दिखाई दे रही है? देखिए, नामांकन की तैयारी आपने पूछा तो योगी आदित्यनाथ 10 बजे अपने मठ से निकलेंगे और यो अमित शाह जी को रिसीव करने एयरपोर्ट जाएंगे। 10:30 बजे अमित शाह जी को आना है और वहां से एमपी कॉलेज जाएंगे, फिर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। मौसम यहां बहुत सर्द है क्योंकि सुबह 6 बजे तक बारिश हुई थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा था पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि शिमला बना दूंगा। राजेंद्र, सच मानिए, शिमला से कम सर्द हवा यहाँ नहीं चल रही है। रामगढ़ ताल के पास मैं खड़ा हूँ। भैया ये बताओ, योगी जी कहते हैं शिमला बना दी तो बड़ा ठंड लग रहा है, भैया बहुत शिमला बन गया है। शिमला, ये शिमला से ज़्यादा इसको टोक्यो और लंदन बना दिए महाराज जी, जो कि यहाँ पर पहले कुछ विकास नहीं था, आज विकास यहाँ दिखाई दे रहा है, एकदम दिखाई दे रहा है। कह रहे थे कि शिमला ही बना देंगे भाई, शिमला नहीं, शिमला तो बन ही गया है। शिमला जब चढ़े वो मुख्यमंत्री बने, उसी दिन से बनना शुरू हो गया। देखिए आज शिमला का आपको एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, तो यहाँ जो शिमला जिस नजरिए से उन्होंने कहा है, जिस नजरिए से कि शिमला बना देंगे, उसी नजरिए से यहाँ गोरखपुर देखिए शिमला बन गया। अब आगे का और विकास और जिलों में ये कह रहे हैं कि भाई शिमला बन गया, आप बताइए कि विकास हो गया तो आप भी तो कुछ कहना ही चाहेंगे। बिल्कुल गलत, गोरखपुर आज अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, आज रसातल में चला गया है गोरखपुर। रसातल में चला गया गोरखपुर। ये देखिए, ये रामगढ़ ताल का ये जो विकास है इसको किस रूप में देख रहे हैं? गोरखपुर का जीरो विकास हुआ है। आप ये समझ लीजिए कि ये जो चीजें हैं, जल जमाव की समस्या, जहां आप खड़े हैं यहां इतना पानी लगा रहता है, ये नया सवेरा अखिलेश यादव का प्रोजेक्ट है, जहां आप खड़े हैं पूरा प्रोजेक्ट अखिलेश यादव का दिया हुआ है, कैसे कहें विकास? ये अखिलेश यादव का दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया गया। ये विपक्षी है तो बोलेंगे, इनका काम ही विपक्षी है, विपक्ष मेरा ना बोलना है और क्या, तो क्यों हो भाई, ये तो जनता। इतना विकास क्या दिया, स्वीडन बन गया है ये, स्वीडन टाइप एकदम बन गया है ये, शिमला से आगे स्वीडन। देखिए, एक दौर था, ये विकास की बात अगर की जाए, वास्तव में यहाँ पे लोग आने से घबराते थे, आज इसको टूरिस्ट पैलेस बनाया गया। अगर ये विकास नहीं दिखे तो हमको लगता है इससे बड़ा अंधा आदमी मैंने देखा नहीं है जीवन में। सुधाकर यादव जी हैं, ये भी कुछ बोलना चाहेंगे। सुधाकर यादव जी, आप बताइए जी, ये सब क्या बातें हो रही हैं? देखिए, विपक्ष में है वो लोग तो बोलेंगे ही, बाकी यहाँ पर महाराज जी का काम, चाहे फर्टिलाइजर हो गया, चाहे पिपराइज की चीनी मिल हो गई, चाहे बगल के जिले में बस्ती में मुंडेरवा चीनी मिल, सरकारों में क्या था, पिछली सरकारों में अगर इतना ही था तो मायावती जी मुख्यमंत्री रही, अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, तो इतना वो लोग विकास किए तब क्या जरूरत है, बैठे रहे घर, महाराज जी को बोल दिया जा रहा है। वहाँ पे अपने अपने हिसाब से डिस्क्राइब कर दिया, अपने जो समर्थक हैं मुख्यमंत्री के, योगी आदित्यनाथ के कार्यों के, उन्होंने टोक्यो और लंदन के आगे स्वीडन तक बात पहुंचा दी, और जो विरोधी हैं उनको वहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, वहां पर जो कुछ भी दिख रहा है, बल्कि वो रसातल में जाना बता रहे हैं। तो इस प्रकार के राजनीतिक वाद विवाद, तर्क वितर्क चलेंगे आगे भी। फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद वीरेश, हम आपके पास लगातार आएंगे, चूंकि आप आज बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पे हैं। और आज ताज नगरी पहुंचेगी अखिलेश और जयंत की जोड़ी, विजय रथ पर अखिलेश और जयंत आगरा में सवार हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी और आरएलडी की आगरा में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जैसा कि उनकी रणनीति दिखाई भी दे रही है। और कई विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी का विजय रथ आज भी घूमेगा। पहले चरण के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर गठबंधन को मजबूत करने में जुटे हैं ये दोनों राजनीतिक दिग्गज अपने अपने दलों के। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी एक साथ आगरा में देखने को मिलेगी, आगरा के कन्वेंशन सेंटर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके बाद दोनों विजय रथ पर सवार हो जाएंगे, फतेहाबाद, आगरा कैंट, आगरा उत्तरी और दक्षिणी में जनसंपर्क करेंगे।
तस्वीरें मिल रही हैं गोरखपुर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन से पहले पूजा कर रहे हैं और वो तस्वीरें ये देखिए, गोरक्षनाथ मंदिर में वो पूजा कर रहे हैं, बल्कि अभिषेक कर रहे हैं भगवान शिव का। ये देखिए आप, श्रृंगी उनके हाथ में, जिससे वो कि अभिषेक कर रहे हैं भगवान शिव का। आज नामांकन से पहले पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इस अवसर पर वो दिव्य शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं, वो आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं महादेव का। ये देखिए, हवन भी किया उन्होंने, भगवान शिव के अभिषेक के साथ साथ उन्होंने हवन भी किया। वो पीठाधीश्वर हैं गोरक्षनाथ पीठ के, और ऐसी भूमिकाओं में इससे पहले भी आपने उन्हें कई बार देखा होगा, ऐसी तस्वीरें भी आपने कई बार देखी होगी। भगवा धारण करते हैं, सनातन धर्म की एक बड़ी पीठ, एक बहुत प्रतिष्ठित पीठ गोरक्षनाथ पीठ के वो पीठाधीश्वर हैं। तो ये उनके रूटीन का हिस्सा रहा है, ये उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग रहा है। और देखिए, आज नामांकन से पहले पूजन करते हुए, हवन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। सुबह 10:30 बजे उनको एयरपोर्ट जाना है, गृहमंत्री अमित शाह को रिसीव करना है। 10:50 के आसपास वो नामांकन करने पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो एक जनसभा भी करेंगे। तो आज बहुत व्यस्त दिन गोरखपुर में, और तमाम राजनीतिक दिग्गज भी आज उनके साथ गोरखपुर में दिखाई देंगे। उनके नाम हम आपको बता रहे हैं, उनका पूरा कार्यक्रम हमने आपको बताया, और उसके ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवन पूजन करते हुए। वापस आपको विपक्षी नेताओं के बारे में और उनके कार्यक्रमों के बारे में बता दें, आगरा में आज जयंत चौधरी और अखिलेश यादव सबसे पहले ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जैसा कि हमने देखा है, वो लगातार इस बीच में ऐसे ही कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, लगातार हमने उनको ऐसा करते हुए देखा है। आज आगरा में भी ऐसा करेंगे और उसके बाद वो जनसंपर्क अभियान के तहत निकलेंगे विजय रथ पर सवार। सीधा आपको आगरा लिए चलते हैं। अब वहां पर क्या हलचल है, क्या वातावरण है इन दोनों नेताओं के पहुंचने से पहले, विपक्षी दल की तैयारी क्या है वहां पर, खासकर इस गठबंधन के समर्थकों की, ये बताएंगे। नितिन उपाध्याय इस वक्त आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, क्या देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए बिल्कुल, आज सियासत का सुपर फ्राइडे है और ऐसे में आगरा में आज अखिलेश यादव और जयंत की जोड़ी आज आगरा पहुंचेगी। तस्वीरों में दिखाना चाहता हूं, ये ताज होटल एंड कन्वेंशन सेंटर है, 5 सितारा होटल है, और इसमें मुझे याद आ रहा है कि जब योगी सरकार आई थी उसके बाद समाजवादी पार्टी का अधिवेशन हुआ था 5 अक्टूबर 2017 में, तब भी अखिलेश यादव ने इसी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और एक और कहा जाए तथ्य, बहुत ही ज़्यादा कहा जाए, यहाँ साझा करना चाहूँगा कि फरवरी का महीना था 2017 का, तब दो लड़कों की जोड़ी थी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, तब भी ये 3 फरवरी का दिन था, और आज 4 फरवरी है, तब भी आगरा में अखिलेश यादव आज से ठीक 5 साल पहले आगरा आए थे। और ऐसे में आज दो लड़कों की जोड़ी बदल गई है, आज अखिलेश और जयंत साथ में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव हों, जयंत चौधरी हों, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार अपने विजय रथ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कुल मिला के पूरी तरह से कहा जाए समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन भी बीजेपी की तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई को काफ़ी अहम मान रही है। आज 12:30 बजे इस होटल में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद 6 विधानसभा क्षेत्रों में उनका विजय रथ आगे चलेगा और 3 छोटी छोटी जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। और ऐसी सीटें हैं आगरा की जिन पे सीधे सीधे कहा जाए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से फाइट में, फिर चाहे वो खैरागढ़ हो, फतेहाबाद हो, आगरा ग्रामीण हो, उत्तरी, दक्षिणी, और ये सारी 6 विधानसभा क्षेत्रों में आज समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो कहा जाए जो गठबंधन है उसके जो प्रत्याशी उतरे हैं उनके समर्थन में आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी यहां वोटों की अपील की जा रही है। और कुछ तस्वीरें आज भी आगरा से ऐसी दिखेंगी नितिन, और जब ये पहुंचेंगे तब भी आपका रुख जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। आज अमरोहा में बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली भी होनी है। दोपहर 1 बजे अमरोहा में वे एक जनसभा करेंगे। अमरोहा के जोई मैदान में मायावती की एक जनसभा होनी है। मुरादाबाद मंडल के 27 विधानसभाओं के नेता इसमें मौजूद रहेंगे। मायावती की जनसभा में 1000 लोगों की अनुमति है, जहां पिछले कुछ दिनों से मायावती भी अब चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। दोपहर 1 बजे आज जोई मैदान में मायावती एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मायावती की जनसभा को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जनसभा में कई नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि अमरोहा में दूसरे चरण में मतदान होना है और इस जनसभा में मुरादाबाद मंडल की 27 विधानसभाओं के प्रत्याशी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे।
बसपा सुप्रीमो मायावती की जनसभा की अनुमति है, जहां कोविड 19 के जो प्रोटोकॉल है उन्हीं के तहत ये जनसभा होगी। 1000 व्यक्तियों की अनुमति है जनसभा में। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की, जो आज उत्तर प्रदेश की कई जिलों की विधानसभा सीटों पर जन चौपाल लगाने वाले हैं। वर्चुअल जन चौपाल में प्रधानमंत्री पश्चिमी जिलों के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। इनमें मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर जिले शामिल हैं। जन चौपाल के जरिए प्रधानमंत्री 23 विधानसभाओं में करीब 1,00,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित करेंगे और इन जिलों के 122 सांगठनिक मंडलों पर ये जन चौपाल होगी। 1,00,000 से ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री की जन चौपाल दोपहर करीब 1:30 बजे शुरू होगी। तो पहले उन्होंने 473 विधानसभा क्षेत्रों में जो है लोगों से और कार्यकर्ताओं से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संपर्क किया 2 दिनों पहले। आज 23 विधानसभा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की, खासकर वेस्टर्न यूपी की, वो ये जनसंवाद करने वाले हैं, वर्चुअल चौपाल करने वाले हैं। अविनाश तिवारी हमारे साथ हैं, दिल्ली से कनेक्ट हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ हैं, भाजपा मुख्यालय लखनऊ से कनेक्ट हैं। पहले हम अविनाश से बात करेंगे, चूंकि प्रधानमंत्री दिल्ली से ये संवाद करेंगे। अविनाश, ये जो वर्चुअल चौपाल है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस प्रकार से वो इसमें लोगों से बात करेंगे और कैसे भाजपा की जो सरकार है उत्तर प्रदेश की या केंद्र की, उसके योजनाओं के बारे में लोगों से बात करेंगे? तो 31 जनवरी को भी प्रधानमंत्री ने ठीक ऐसा ही एक प्रोग्राम किया था, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों की 21 विधानसभा क्षेत्रों में अपना संबोधन दिया था। आज अगर बात करें तो पश्चिमी यूपी के 5 जिलों की 23 विधानसभा क्षेत्रों में वो अपना संबोधन देंगे। 1:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सारे लोगों को संबोधित करेंगे। इन 5 जिलों की 23 विधानसभा क्षेत्रों में 122 जगह पे LED वैंस लगाए गए हैं, जहाँ पे 1,000 तक के कार्यकर्ता हैं जो चुनाव आयोग की परमिशन है, उनको बुलाया जाएगा और तमाम सारे लोग प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेंगे। क्योंकि जिस तरीके से अभी चुनाव में पाबंदियां हैं, बड़ी रैली की नहीं जा सकती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वर्चुअल रैली करें, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूसरी उनकी वर्चुअल रैली होगी। इसके पहले एक वर्चुअल रैली वो कर चुके हैं। आज वो तमाम सारे मतदाताओं से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो तमाम सारी योजनाएं हैं इसके बारे में बताएंगे और लोगों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ में अपील करेंगे कि किस तरीके से जाके गांव-गांव प्रचार किया जाए और किस तरीके से लोगों को भाजपा के साथ जोड़ा जाए। तो इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन रहेगा, जो कि 1:30 बजे दोपहर में शुरू होगा। ठीक, बिल्कुल। और अविनाश हमारे साथ अब शैलेश भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। शैलेश, ये बताएं कि लखनऊ में किस तरह की तैयारी इसे लेकर की गई है और उत्तर प्रदेश के लिए क्या खास रहेगा, जो बातें आज होंगी, उत्तर प्रदेश में जैसा विकास हुआ है तो क्या खास आज सुनने को मिलेगा PM की तरफ से? देखिए, लखनऊ से ही इस रैली का संचालन किया जाएगा और इसके लिए लखनऊ के भाजपा कार्यालय में एक वर्चुअल स्टूडियो बनाया गया है। हम भाजपा कार्यालय पर ही मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से, फिलहाल देखिए अभी लोग नहीं आए, लेकिन जिस बिल्डिंग के सामने हम मौजूद हैं इसी में सेकेंड फ्लोर पर वो वर्चुअल स्टूडियो बनाया गया है, जहाँ पर आज संचालन किया जाएगा इस वर्चुअल रैली का। दूसरी चीज़ हम बताएं कि अगर हम 31 तारीख को जो पहली रैली की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल, उससे इसकी तुलना करें तो इस बार की रैली और भी ज़्यादा भव्य होने वाली है। उसके 2 वजह, देखिए पहले जब रैली हुई तो प्रदेश में 98 जगह LED स्क्रीन लगाई गई और एक जगह पर 500 लोगों की अनुमति दी गई थी, यानी लगभग 49,000 लोग सीधे तौर पर जुड़े थे। लेकिन आज 122 जगह पर इस तरह से LED स्क्रीन लगाई जा रही है, यानी 24 जो स्पॉट्स हैं वो बढ़ाए गए। दूसरी चीज़, पहले 500 लोग की अनुमति थी, अब 1,000 लोग की अनुमति, यानी 1,22,000 लोग तो सीधे तौर पर इससे जुड़ जाएंगे, जो पिछली बार के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा है। दूसरा, हम बात करते हैं बूथों की, तो पिछली बार जो बूथ पिछली बार की तुलना में 2 गुने से ज्यादा तो सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने शैलेश, और इसीलिए ज्यादा आज का जो कार्यक्रम है वो ज्यादा ग्रैंड होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, अविनाश और शैलेश, इन तमाम जानकारियों के लिए।